धोखाधड़ी का मामला सामने आया जिसमें नोएडा के दो कारोबारियों ने रायपुर की एक निजी स्टील कंपनी से करोड़ों रुपए की सजा मंगाकर उसे भुगतान नहीं किया। मामले में कंपनी की ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई जिस पर पुलिस ने नोएडा के दो कारोबारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। दरअसल सुपरटेक लिमिटेड कंपनी के संचालक ने स्टील कंपनी से 800 टन लोहे के सरिये का सौदा किया लेकिन इसका भुगतान नहीं किया और पैसे मांगने पर सिर्फ आश्वासन मिला। ये टीएमटी सरिया कंपनी रायपुर की कंपनी है, इसके साथ नोएडा के रहने वाले दो आरोपियों ने धोखाधड़ी की है। उन्होंने इनको धोखाधड़ी में रख के इनको कूट रचित करके इनसे 4.5 करोड़ का सरिया जो है इसे मंगा लिया और पैसे का भुगतान भी नहीं किया। उनकी पूर्व से कोई मंशा नहीं थी पैसे के भुगतान की, इसीलिए कल यहाँ पे अमानका थाना क्षेत्र में एक FIR दर्ज की गई 420/34 IPC में उनके अंतर्गत। वही लौदनी में